ही गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सवा 10 हो गए हैं और बाय द वे जो है कल मैं ब्लॉग नहीं डाल पाया था। एक्चुअली कोर्ट में इस समय थोड़ा सा ज़्यादा काम है, काम की वजह से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया। और अनीश शनाया भी यहाँ भी नहीं थी, तो ये लोग जो आए थे अपने मामा जी के यहाँ, तो शाम को इन लोगों को भी मैं लेके आ गया हूँ। और बाय द वे आज हम लोग जाने वाले हैं वैक्सीनेशन के लिए, अनी और मैं। तो कहीं भी जो है पूरे शाहजहाँपुर में कोवैक्सीन नहीं मिल पा रही थी, सिर्फ दो जगह मिल पा रही थी। एक तो मेरे पास में एक CSC है और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। तो सबसे अच्छी बात हुई कि जो मेरे पास में CSC है वहाँ पे कोवैक्सीन अवेलेबल है, तो उसके दो स्लॉट मैंने अभी जो है बुक कर दिए हैं। हम लोगों का अपॉइंटमेंट है 10 से 11 के बीच में, तो अभी जस्ट निकलने वाले हैं, कुछ देर में ही पहुँच जाएंगे। और सबसे बुरी बात तो ये हुई कि हम दोनों लोगों ने जो है काफ़ी लेट किया, पूरे फैमिली का वैक्सीनेशन हो चुका है, हम ही दो लोग बचे थे। तो बाकी आप लोगों से भी गुजारिश है कि जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाया तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी करवा लो, उसमें लापरवाही करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और भाई देख, गवर्नमेंट भी थोड़ी सी सख्त हो गई है कि जो लोग भी बाहर काम कर रहे हैं या फिर ट्रैवल कर रहे हैं दूसरे स्टेट में, तो उन्हें भी जो है इसकी रिपोर्ट साथ में रखना जरूरी है कि आपने वैक्सीनेशन जो है करवा लिया। तो जैसा कि घर पे बताया गया कि जो है कोई भी मेडिसिन लेने से पहले या वैक्सीन लेने से पहले जो है लंच करके जाना। तो आज है दाल, आलू गोभी की सब्जी, पापड़ एंड रोटी। अनी ने खाना शुरू कर दिया, मैं भी खा लेता हूँ जल्दी से। इधर एक्चुअली अभी जो है काम कंप्लीट नहीं हो पाया, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी आ रही है। यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनकी इस समय हालत बिल्कुल टाइट है। शनाया और अनी दोनों लोगों को जो है हो गया है कोल्ड, तो मुझे जो है इसे बच के रहना पड़ेगा। तो अनी को तो जो है मास्क लगा रहना चाहिए बट इन्हें इससे कोई दिक्कत नहीं है। कि पति देव को अगर कोल्ड हो गया कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल मैं मास्क लेके आया हूँ, तो अभी हम लोग पहुंचेंगे जब CSC, तो मास्क लगा लेंगे। एक्चुअली सामने है एक रेलवे का हॉस्पिटल, तो वहीं पे जो है वैक्सीनेशन हो जाएगा। इधर साइड में जो है लोग आते भी कम है, बट मे बी, बट इधर तो काफी ज्यादा भीड़ है यार। अरे ये क्या इसी की है? बहुत ज़्यादा भीड़ है, मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है भीड़ ना हो। तो अपनी गाड़ी साइड में पहले पार्क करते हैं, फिर देखते हैं क्या सीन है। तो यहाँ आके पूरा मूड खराब हो चुका है क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा भीड़ है, कोई भी मास्क नहीं पहने, सब लोग लाइन में एकदम लगे हुए हैं। वो मैडम वहाँ बोल रही हैं कि जो है, मैंने बोला उनसे कि 10 से 11 के बीच में शेड्यूल है मेरा, तो उन्होंने कहा कि जो है यहाँ पर इतने सारे लोग हैं तो लाइन से ही काम होगा। वैसा है अभी फिलहाल, मैंने बोल दिया तो उन्होंने कहा थोड़ी देर वेट कर लो तो मे भी काम हो जाएगा। बट इस तरीके से गलत है, हर इंसान के पास उतना टाइम नहीं है ना कि यहाँ पे घंटों लाइन लगे, फिर मतलब ही क्या रहेगा क्या शेड्यूल का। चलो फिलहाल जो भी है थोड़ी देर देख लेते हैं क्या सीन रहता है। फिलहाल वैक्सीनेशन डन हो गया है और लग नहीं रहा था कि इतनी जल्दी काम हो पाएगा। सबसे अच्छा ये हुआ कि हम लोग कोवैक्सीन ही चाह रहे थे, काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे, तो कोवैक्सीन मिल गया, ये सही रहा है ना। तो जस्ट अभी हम लोग जो है घर वापस आए, 11:48 हो गए और शनाया आज सुबह से जो है ब्लॉग में नहीं आई है, तो अब आ गई है। अरे आ जाओ भाई, मेरा बेटा कहाँ था। और बाद में शनाया को हो गया कोल्ड, तो कल से अपनी नाक जो है बहा रही है इधर उधर। बाय, अभी आप आई हो इतनी जल्दी बाय कर रही हो, कटी कटी करना ये क्या होता है। और बाय द वे ऐसा ना हो कि कहीं जो है फीवर आ जाए, ज्यादातर कोविशील्ड वालों को जो है फीवर आता है, तो हम लोगों ने लगवाई है कोवैक्सीन, तो आई होप कि फीवर ना आए तो ज्यादा सही रहेगा। इट्स 3:55 और शायद जो है फोन से अपना पढ़ाई करने में लगी हुई है। अनी गई अभी नीचे चाय बनाने के लिए और बाय द वे अनी जो है इधर पैकिंग में लगी हुई है, तो ये जो है शायद कहीं बाहर जाने की तैयारी में है, तो इसलिए पूरा जो है पैक वगैरह सब कर रही है। और आज सुबह से जो है पैकिंग में ही लगी हुई है क्योंकि कल ये मॉर्निंग में निकलेंगे काफ़ी जल्दी, तो बाय द वे मैं भी जा रहा हूँ साथ में, तो कल सुबह जब निकलेंगे तभी बता देंगे हम लोग कहाँ जा रहे हैं। और मौसम आज काफ़ी अच्छा है, धूप बिल्कुल भी नहीं है, ह्यूमिडिटी भी नहीं है। अभी मैंने थोड़ी देर के लिए AC चलाया था तो AC कोई ज़रूरत नहीं है। और बाय द वे इन पेड़ों में जो है पानी डालने को है,
एक्चुअली हम लोग 2-3 दिन के लिए बाहर चले गए थे, तो इस वजह से जो है इधर पानी पड़ नहीं पाया। तो सबसे पहले तो मैं इसमें अभी जो है पानी डाल दूंगा थोड़ी देर में। और शनाया का जो है एक ये ढोल आया है, तो ढोल जो है बजाया करेंगे कभी कभी। बेटू आपने बजा के देखा? आप तो बजा लेती हो ना? क्या एक्चुअली अभी वो फोन देख रही है, तो उन्हें बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं पसंद है। हाँ बजा के दिखाओ, बजाओ 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 बजाओ। अरे वाह, दोनों हाथों से बजाओ। बेटू पापा बजा के दिखाएं। इसके वो इसके एक्चुअली वो डंडे थे, वो नहीं पता चल रहा है कहाँ पे हैं। तो अभी मैं बजा के दिखाता हूँ इसे। जब शादी वगैरह आती है ना, तो सेम ऐसे ही जो है वो लोग बजाते हैं। शनाया का फोन बंद हो गया, तो भाव भाव कर रही है। बेटू आप इसे ढोलक से खेलो लो। और एक्चुअली शनाया की तबीयत इस समय थोड़ी सी जो है सही नहीं है, कोल्ड की वजह से बेचारी काफी परेशान है। इसका जो है नाक आधी ब्लॉक हुई थी। बेटू वो फोन छोड़ो, आप अब इसे खेलो लो। वाह, एक्चुअली फोन रखा है तो इनका सारा ध्यान फोन की तरफ है। और फिलहाल चाय भी आ चुकी है। हाँ बेटू आपने बेड पे क्यों बिस्किट रख दिया, इधर रखो, क्या कर रही हो? और ये रहा शनाया का मिल्क। मेरी चाय किधर रख दी आपने? वो गिरा दी। बहुत बड़े बड़े कप में लेके आई हो। ये मेरी है, वो आपकी है। और आई थिंक अनी की जो है थर्ड टी है ना। चाय कम से कम पियो। अरे आप बताओगे कैसे बताओ। तो अनी और मेरे में अभी जो है एक कंपटीशन होने वाला है कि कौन ढोलक अच्छा बजा लेगा। तो बाय द वे बजाने के लिए, तो बाय द वे जो है ढोलक की एसटी का वो एक ही है, एक है दूसरे रूम में, तो वनी अभी लेने गई है। और इसके बाद में जो है शनाया बजा के देखेंगे। शुरू हो गई है। तो सबसे पहले जो है हनी बजा के दिखाएंगी। क्यों आप पहले बजा लो ना, लेडीज फर्स्ट। क्यों माँ की तो हर काम में पहले पहले। चलो भाई मैं ही बजा के दिखाता हूँ। तो दोनों लोगों को जो है 10-10 सेकंड मिलेंगे, बट स्टिक मिल नहीं पाए तो हाथ से ही बजाएंगे हम लोग। तो इसे जो है गले में डाल के बजाना। और मुझे डर है कि नहीं मेरा कॉपी ना कर ले, क्योंकि ये क्या बेटा क्या मुझे डर है कि नहीं मेरा कॉपी ना कर ले। तो फिलहाल मैं बहुत ज्यादा अच्छा नहीं बजाऊंगा ताकि ये कहीं सीख ना जाए। बेटू इधर देखो, मम्मा को हराना है? नहीं, हम और शनाया मिलके मम्मा को हरा देंगे। तो फिलहाल मेरा उतना खास नहीं रहा, बट देखते हैं हनी भाई कैसा बजाती हैं। तो मैंने तो आई थिंक 10 सेकंड कंप्लीट कर दिए, मुझे जो भी अपना हुनर दिखाना था मैंने दिखा दिया है। अब है हनी की बारी। चलो जैसे बजा पाओ बजाओ। हो गया 10 सेकंड हो चुके हैं। 10 सेकंड हो चुके हैं। फिलहाल मैंने जो भी बजाया वो आई थिंक थोड़ा बहुत सही था, बट अनी का एकदम भाई लीप अप होती, इन्होंने कुछ नहीं किया, बस ऐसे से ताक ताक देख तक कर रहे थे। आपने क्या बजाया ना? अरे आपसे तो अच्छा ही था। मेरे चलो अच्छा मान लेते हैं भाई, इन्होंने अच्छा बजाया बस। चलो ठीक। एक्चुअली मैं अभी जा रहा हूँ मार्केट, क्योंकि अनी के फोन का जो है टेम्पर डे पूरा ऑलमोस्ट खराब हो गया। और यहाँ पे डर रहता है ना कि शनाया कभी कभी यूज़ करती है तो उसके जो है लग ना जाए, इस वजह से जो है इसे अभी मैं जाके मार्केट से चेंज करवा देता हूँ। और साथ में थोड़ा बहुत और सामान लाना है, सब्जी वगैरह लानी है, और मम्मी जी ने थोड़ा सामान मंगवाया है तो वो भी लेके आ जाएंगे। एक्चुअली आज मैं दिन भर घर पे ही रहा, तो अगर ऐसे ही घर पे रहता तो फिर मुझे जो है रात में बहुत बुरा लगता है, अधूरापन लगता है कि आज मैं कहीं बाहर घूमने नहीं जा पाया।
तो बाकी कोर्ट वगैरह जाते हैं तब तो बिल्कुल जो है शाम को आते हैं, फिर बाहर जाने का बिल्कुल मूड नहीं होता, बट दिन भर घर पे रहो तो फिर ऐसा मूड होता है कि बस बाहर हो के आएंगे। और सबसे अच्छी बात ये हुई कि मैंने आज वैक्सीनेशन करवाया, बट मुझे बिल्कुल भी फीवर वगैरह कुछ भी नहीं लग रहा है। सुबह जब लगवा के आए थे उस वक्त थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि थोड़ी सी जो है थका सा फील कर रहा था, बट उसके बाद मैंने 2 घंटे रेस्ट किया तो अब बिल्कुल भी नॉर्मल है, सब कुछ काफ़ी सही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम हो गया है 5:15 हो रहे हैं और धूप बिल्कुल भी नहीं है, बट आजकल सबसे अच्छा ये है कि मौसम जो है काफ़ी अच्छा रहा है, बट फिर भी बारिश वगैरह कम ही हो रही है जितनी की होनी चाहिए थी। पहले तो इतनी ज़्यादा बारिश होती थी कि बाढ़ आ जाती थी, और आजकल बाढ़ तो देखने की तो दूर बात है ना, सुनने में भी नहीं आ रही, दूर दूर कहीं बाढ़ नहीं आ रही। बाढ़ आना भी जो है ज़रूरी है क्योंकि ये सब है प्रकृति का हिस्सा। अगर बाढ़ नहीं आ रही तो इसका मतलब है कि बारिश कम हो रही है, और पूरे शहर में आजकल जो है रोड सही की जा रही है, तो इधर भी जो है वही कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो वन वे है इधर। एक्चुअली कल मैं भी जो है 3-4 दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ अनी के साथ में, तो मुझे अभी अपनी जो है लिस्ट भी बनानी है कि मतलब क्या क्या सामान पैक करना है। लिस्ट मतलब कहीं भी कोई भी जाए तो लिस्ट जो है पहले तैयार करनी थी, उसकी वजह ये रहती है कि आप उसमें चेक कर लेते हो ना कि क्या क्या सामान जो है आपका, कहीं ऐसा तो नहीं कोई सामान छूट गया। तो लिस्ट जो है कभी भी ट्रैवल करें, आई थिंक जो है कहीं बाहर जाएं 1-2 दिन के लिए तब भी लिस्ट जो है बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको पता रहे कि मेरी कोई चीज़ छूट ना जाए। और कुछ लोग तो भाई साहब इतने ज़्यादा लापरवाह होते हैं ना कि वो होटल में अगर 1-2 दिन रुके वहाँ पे तो कुछ ना कुछ सामान, बहुत इंपॉर्टेंट सामान, कोई डॉक्यूमेंट वगैरह छोड़ के आ जाते हैं। तो फिलहाल मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होता, मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो पूरा लिस्ट बनाता हूँ। और अनी को मुझ पर इस बात को लेके बहुत ही ज़्यादा बिलीव रहता है कि जो है अगर मैं साथ में फिर कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि मैं एक एक चीज़ का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखता हूँ। बाय द वे मैं अपनी जो है खुद की बड़ाई ऐसी नहीं कर रहा हूँ, बट ये मेरे अंदर हैबिट है तो इसलिए मैंने सोचा कि बता देते हैं। कुछ अच्छी आदतें भी हैं मेरे अंदर। तो यहाँ पे तो जो है टेम्पर्ड साइज का मिल नहीं पाया है, तो यहाँ पे है एक साथ, इसको ट्राई कर लें, अगर मिल जाए तो। फोन में टेम्पर्ड लग गया, 2-3 शॉप पे देखा तब जाके जो है लग पाया। आजकल इस वाली नदी में पानी नहीं है देखो, वरना बाय द वे मुझे ध्यान है कि 8-10 साल पहले इसमें जो है हर साल लगभग 3-4 साल लगातार इतना ज़्यादा पानी आया ना कि शहर, आधा शहर समझ लो जो है पानी समा गया, मतलब पानी में डूबा नहीं बट जो है बहुत सारी कॉलोनी में एकदम पूरा पानी फुल हो। आधा किलो तो सब्सक्राइब कर दो, हाँ खुद आते रहेंगे, जैसे एक दो बार देखोगे चला के तो खुद ही आते रहेंगे। हमारा ये लगा रहता है फिर मतलब अपना फेस कैसे आता है। तो एक दूसरे भाई मिल गए, वो भी पूछ रहे थे कि ये क्या है, तो मैंने कहा अपना फ़ोन लाओ, उनके फ़ोन में चैनल खोल दिया। साथ में जो है बेचारे यूट्यूबर एक ही काम करते हैं, दूसरे का फ़ोन मांग के चैनल को सब्सक्राइब करते हैं सबसे पहले। और साथ में मैंने ये भी बोल दिया कि आप वीडियो को जो है 2-3 वीडियो को पूरा देखिए, तब जाके जो है आपको एक आइडिया हो जाएगा। और उससे क्या होता है कि यूट्यूब जो है बार बार खुद से वीडियो को जो है उसके फ़ोन पर दिखाएगा, अगर आप थोड़ा सा क्लिक कर देंगे ना तो वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़्यादा बेकार है। बाद में एक बात कहना चाहूँगा कि जो मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं उस पर 66% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, और बाकी जो बचे हैं उन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। तो आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि प्लीज़ जो नीचे लाल रंग का बटन है ना उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। बाकी तो मैं ये बात को जो है हमेशा वीडियो एंड करते समय बोलता हूँ, बट आज मैंने कहा अभी बीच में बोल देते हैं, इससे हो सकता थोड़ा सा ज़्यादा फर्क पड़े। सब्सक्राइब वाला बटन जो है रेड कलर का है, तो प्लीज़ उसे क्लिक करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें, और उसे ऑल पे क्लिक कर देंगे ना तो जो भी मैं वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। बहुत हो गया प्रमोशन। तो बाय द वे 6:46 हुए हैं, टाइम काफ़ी अभी कम हुआ है, बट अब मुझे काफ़ी अभी पैकिंग करनी है, और भी काम है, थोड़ा सा कोर्ट का काम है, तो वो सारा काम मैं जो है अभी निपटाऊंगा। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बस दोस्तों जल्दी मिलते एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। सुनाया बाय बाय।